आइए दूसरे तरह का क्वेश्चन आपसे आएगा, ये आपका जैसे हेडिंग है मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है ऑप्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका x का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। ये दिया है आपका 8 10 11 16 20 25 15 9 6, ये टोटल आपका 120 है। यहाँ से हम सी एफ निकाल रहे हैं, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियम निकालने के लिए हमें सी एफ को निकालना ही पड़ता है। तो सी एफ कैसे निकालते हैं, एफ का जो पहला था पहला एफ फ्रीक्वेंसी वो डायरेक्ट इसके सामने हम लिख देते हैं 8, फिर इस 8 में इसके जस्ट नीचे वाला इस 10 को ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, अर्थात 8 और 10 दोनों को ऐड करेंगे 18 होगा, यहाँ लिखेंगे। फिर इसके नीचे लिखना हो तो 18 और इस 11 को ऐड करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं ये 29 हो गया। फिर इसके नीचे 29 में 60 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ये हो गया आपका 45। सिमिलरली 45 में 28 कर दीजिए, 65 में 25 ऐड करेंगे 90 में 15 ऐड करेंगे 105 में 9 ऐड करेंगे 114 एंड 114 में 6 ऐड करेंगे 120, यानी टोटल एन ये जितना होगा ये दोनों सेम रहेगा। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुआ है। अब यहाँ आइए, एन कितना है, ये हो गया आपका 120, यहाँ से हम एन बाई टू निकालते हैं, एन बाई टू ये हो जाएगा 120 बाई टू, ये हो गया आपका 60, यानी एन बाई टू का वैल्यू कितना है 60। अब इस 60 को हम देखेंगे कि सी एफ में 60 किस टर्म में आता है, ये 60 या तो एक्यूरेट 60 में ही आएगा या 60 के जस्ट बाद आने वाली संख्या में आएगा। यहाँ हम देखते हैं यहाँ कहीं पे 60 नहीं है, तो 60 के जस्ट बाद कौन संख्या आ रही है पहली, तो ये 65 आ रही है, अर्थात मीडियम क्लास हमारा यही होगा। इसके ठीक सामने हम x में जाएंगे और देखेंगे कि वो संख्या कौन सी है, हम देखते हैं कि वो संख्या कितनी है 5 है, अर्थात इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम कितना हो जाएगा 5, मीडियम कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर होगा। जब इस तरह से x और f दिया रहेगा तो यहाँ से हम cf निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, ये टोटल n नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपका 120 हो गया, n का वैल्यू 120, फिर हम क्या निकालेंगे 1/n/2 निकालेंगे, n by 2 आपका आया 120/2 अर्थात 60, फिर हम देखेंगे कि 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस टर्म में आता है, तो ये हम देखते हैं कि यहाँ 45 है 60 नहीं है, तो 60 या तो एक्यूरेट 60 में आएगा या 60 के बाद जो बड़ी संख्या आएगी उसमें आएगा, तो 60 के बाद पहली बड़ी संख्या क्या है 65, तो हमारा मीडियन इस क्लास में आएगा। और यहाँ से सीधे हम जाएंगे x में और यहाँ देखते हैं कि ये क्या है 5 है, तो मीडियन हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर, ओके सर। अगले तरह का आपसे क्वेश्चन आएगा, ये जैसे मीडियन ऑफ ए ग्रुप और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात इसमें आपको क्लास इंटरवल दिया जाएगा या फिर मार्क्स दिया जाएगा, ऐसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जैसा कि यहाँ पे दिया है। एग्जाम्पल हमने लिया है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको ये डाटा दिया जाएगा, अर्थात ये मार्क्स दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दिया था, यहाँ से आपको मीडियन फाइंड करना है। तो हम यहाँ मार्क्स लिख दिया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया गया, यहाँ से हम सी एफ फाइंड किया। अभी सी एफ फाइंड करने के लिए हमने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी का पहला जो नंबर है यहाँ पे लिख देते हैं 5 है, तो 5 लिख देंगे। अब इस 5 में इस 15 को ऐड करेंगे और यहाँ लिखेंगे, हो गया 20, इस 20 में 30 को ऐड करेंगे और 30 के सामने लिखेंगे, 50 हुआ 50 में इस 8 को ऐड करेंगे और इसके 8 के सामने लिखेंगे, फिर इस 58 हुआ 58 में 2 को ऐड करेंगे और 2 के सामने लिखेंगे, ये हो गया आपका 60, अर्थात n इक्वल टू कितना आया 60, n इक्वल टू 60 आया। तो फिर सिमिलरली हम लोग n बाई 2 फाइंड करते हैं, n बाई 2 हो गया आपका 60/2 यानी कि 30। अब हम देखेंगे कि CF में ये 30 किस में आएगा, तो 30 कहीं नहीं है, तो 30 की जस्ट बाद ये 50 आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, तो इसके जस्ट ऊपर वाली ये संख्या कैपिटल F होती है, इस 50 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी में स्मॉल F होता है और ठीक इसके सामने वाला, इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं और इसको अपर लिमिट कहते हैं, तो ये लोअर लिमिट ये होता है, यानी कि कैपिटल F हो गया आपका 20, स्मॉल F हो गया 30 और लोअर लिमिट हो गया L इक्वल हो गया आपका 30, तब मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n by 2 minus capital F by small f into
एच या आई, एच क्या है हमारा क्लास साइज है 30 to 60, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस एच है आपका 30, वैल्यू पुट कीजिए, एल है आपका 30 प्लस एन बाई टू 30 माइनस कैपिटल एफ 20 बाई स्मॉल एफ, स्मॉल एफ भी आपका 30 है, एन टू एच भी आपका 30 है, 30 से 30 कैंसिल हो गया, 30 प्लस 30 में से 20 या 10, ये हो गया आपका 40, अर्थात मीडियन कितना आया 40। ठीक है, यानी कि चार तरह के क्वेश्चन आए थे जिसमें चार तरह का एग्जांपल देके हमने समझा दिया। अब इससे आप लोग अगला एक्सरसाइज वीडियो वाला आप करेंगे और कोई भी दिक्कत होगा उसको क्वेश्चन लिख के सेंड कर दीजिएगा। ये आपका एक्सरसाइज 15.4 आप लोग सॉल्व करेंगे और कोई भी दिक्कत होगा उसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके, सेव कर दें। हाँ।